हेलो फ्रेंड्स, हाउस होल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे भुने हुए चने के लड्डू। लड्डू तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आज हम भुने हुए चने के लड्डू बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर हैं, शरीर को स्फूर्ति देने वाले हैं और कैल्शियम से तो भरपूर है। किसी के शरीर में दर्द होता है, घुटनों में पेन, कमर में दर्द वगैरह, कहीं भी ज्वाइंट पेन होता है तो कैल्शियम कमी से होता है। तो आप इस तरह से लड्डू बनाएं और रोज एक लड्डू खाएं तो सभी शरीर की कैल्शियम कमी को पूरा करें। हमने वही इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम कमी को पूरा करने वाले हैं और शरीर को ताकत और स्फूर्ति देने वाले हैं, शारीरिक थकान को दूर करने वाले हैं। तो इस तरह से लड्डू बनाएं, रोज एक लड्डू खा करके अपने शरीर को ताजगी से पूर्ण, ताकत से भरपूर रखें, एनर्जी से भरपूर लड्डू को जरूर बनाएं। तो इस तरह हम बनाएंगे लड्डू, आपको बहुत पसंद आएंगे। इस तरह चलिए हम बनाते हैं लड्डू। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमने भुने हुए चने ले लिए हैं, जो बिना नमक के चने आते हैं छिलके वाले, वो हमने लिए हैं। तो उसको हमने सबको छील लिया है इस तरह से। ये छिलके वाले चने थे, इनको हमने ऐसे छील के इसके छिलके को हटा दिया है। अगर आप चाहें तो मार्केट में भुने हुए चने बिना छिलके वाले मिलते हैं, आप वो ला सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इनको थोड़ा सा नाप लेते हैं, मेजरमेंट से कितने हैं ये। तो हमने ये नाप लिया, एक कप तो हमारा ये हो गया है, बाकी के बच्चे भी नाप लेते हैं। तो ये करीब पौने दो कप हो गए हैं। तो पौने दो कप हमने चने ले लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा फाइन पाउडर बना लेते हैं, एकदम फाइन नहीं बनाए, बल थोड़ा सा हल्का दरदरा रखे, जैसे मोटा बेसन होता है ना इस तरह से। तो हमने इसको पाउडर बना लिया है और इसको हम छान लेंगे। और हमने एक कप चीनी लिया है ये, अब इसको भी हम मिक्सी में फाइन पाउडर बनाएंगे इसको। तो अब ऐसे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम इलायची डाल देंगे, दो चार दाने इलायची के। तो इससे क्या है, चीनी के साथ अच्छे से पिस जाती है। तो इसको भी हमने पीस लिया है, अभी दोनों को हम छान लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कप आटा लेंगे, गेहूं का आटा। हमने डेढ़ पौने दो कप ये चने लिए थे, तो हमने एक कप ये गेहूं का आटा लिया है। क्वांटिटी का आप जरूर ध्यान रखिए, दो कप चने हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और एक से दो चम्मच छोटी ये हम घी डाल देंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे दाल मखाने, जो बहुत ही आराम से परचून की दुकान मिल जाते हैं। तो हमने एक कप ये दाल मखाने लिए है, इसको हम रोस्ट करेंगे। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इसको हम रोज खाएं तो बहुत ही, कभी दर्द होता है कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जहां भी दर्द होता है तो उसको रेगुलर खाने से कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। इसमें बहुत कैल्शियम होता है। दाल मखाने ऐसे भून के खाए जा सकते हैं, नमक डाल के इसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से चटर की आवाज आनी चाहिए, अच्छे से भून चुके हैं, कुरकुरे हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद थोड़ा ठंडा करके इसका थोड़ा सा दरदरा फाइन पाउडर बना लेंगे, हल्का दरदरा सा। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम एक कटोरी हमने घी लिया है और उस कटोरी से आधा घी हम इसमें डाल देंगे, आधे से थोड़ा कमी डाला हमने। और उसमें ये कप बेसन है, सॉरी बेसन नहीं, आटा है, वो डाल देंगे। आटे को हम अच्छे से भूनेंगे, जैसे हलवा बनाते जब भूनते आटा, इस तरह से हम इसको भून लेंगे जब तक कि अच्छी खुशबू ना आने लगे इसके अंदर से और इसका तो कलर है वो थोड़ा चेंज ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। अभी हमको थोड़ा सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा जो घी है डाल देते हैं। तो हमने आधा घी करीबन डाल दिया है, तो इसको अच्छे से चलाते हुए हम इसको भूनेंगे। जैसे जैसे इस पकेगा आटा, घी अंदर से रिलीज होने लगेगा। अब देखिए अच्छी खुशबू आने लगी है और आटा भी जो है हल्का हो चुका है, एकदम फ्लेफी हो गया है और फूला फूला लग रहा है। तो इस तरह तक हमको भूनना है। अब धीरे धीरे जैसे घी भी इसमें से रिलीज होने लगा है, आपको कलर दिखा देते हैं, इस तरह हल्का ब्राउन हमको कर लेना है। अच्छी खुशबू आ गई है आटे भुनने की, बस इतना ही हमको भूनना है। ये देखिए कितना अच्छा आटा भुना हुआ है। अब इसके अंदर जो हमने चने का जो बेसन बनाया था ना, चने को पीस के वो डाल देंगे।
और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये तेज ज्यादा इसको नहीं भुनना है क्योंकि ये चने तो पहले से रोस्टेड होते हैं, भुने हुए होते हैं, तो इसको ज्यादा नहीं भुनना है, बस थोड़ा सा इसके अंदर दो तीन मिनट ऐसे इसके साथ पका लेंगे, जिससे और थोड़ा अच्छे से पक जाए, अच्छी खुशबू आने लगे इसका और टेस्ट है जो बढ़ जाए। तो अच्छे से हमने इसको मिला दिया है। अभी जो अभी सूखा है तो हमने जो हमारा घी बचा था कटोरी के अंदर वो हम डाल देंगे। अगर आप थोड़ा घी कम खाना चाहें तो हल्का सूखा रख ले तो भी बन जाते हैं। ये अच्छे से हमने इसको इस तरह मिला दिया है, घी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे 2 मिनट भूनने के बाद, ज्यादा देर नहीं भूनेंगे नहीं तो ये पहले ही रोस्टेड है, अच्छी खुशबू नहीं आएगी, जल्दी जल्दी आने लगेगी। अच्छे से मिक्स हो गया देखिए, और थोड़ा मिक्स होने के बाद ही वापस जो है रोस्ट हो गया अच्छे से इसके साथ, तो घी वापस थोड़ा रिलीज हो गया है। हमने अच्छे से मिला दिया इसको, ये काफी आटा हमारा भी गर्म है, तो बस अब गैस की फ्लेम को बंद रखेंगे और हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं वो इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने काजू बादाम और किशमिश और पिस्ता लिए हैं, तो मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हम ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहे हैं, तो तीनों को हम डाल देते हैं, किशमिश को नहीं डालेंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे और ये हमने 3-4 चम्मच खरबूजे के बीज लिए हैं, इसको डाल देंगे। ये बहुत अच्छे रहते हैं दिमाग के लिए, गर्मियों में क्या दिमाग को ठंडक पहुंचाने वाले हैं और ताकत से भरपूर होते हैं, तो ये हमने खरबूजे के बीज भी डाल दिए इसमें और इसको सभी को अच्छे से हम मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने बंद करा हुआ है क्योंकि आटा भी गर्म है, तो इसके अंदर ही अच्छे से भून जाएंगे ड्राई फ्रूट है जो आप देख रहे हैं, ये खरबूजे के बीज भुन रहे हैं, उनकी आवाज भी आ रही चट चट की। अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो मेरे ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो गए और अच्छे से भुन भी चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस पे उतार लेंगे इसको और हम इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए क्योंकि अभी कढ़ाई तो गर्म है तो ठंडा होने में टाइम लगेगा। अब इसको जो हमने जो दाल मखाने के लिए थे उनको पीसा था, थोड़ा दरदरा पाउडर बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे और अभी किशमिश भी डाल देंगे। अभी आटा गर्म है तो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ये, और ये किशमिश थोड़ी भुन जाएगी, और ये चीनी हमने जो पाउडर बनाया था वो भी नहीं डालना है इसको, बाद में जब ये आटा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही डालना है। गर्म गर्म में डालेंगे तो क्या होगा, ये ठंडा लिक्विड सा बन जाएगा, पानी छोड़ देगी चीनी, तो इसलिए अभी इसको नहीं डालना है। तो इसको ऐसे मिला के अच्छे से छोड़ देते हैं, आधा घंटे तक ठंडा होने देते हैं। आधा घंटे के बाद हम देखिए हाथ लगाकर चेक कर रहे हैं, ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर ये चीनी का पाउडर है जो मिला देंगे, पहले आधा डाल देते हैं, पहले उसको मिक्स कर लेते हैं। बाद में बाकी बचा हुआ पूरा डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है पास में ब्लैक कलर की उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इससे अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। अब थोड़ा सा मिलाने के बाद थोड़ा सा आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लेके हाथ में चेक कर सकते हैं मीठा, यानी कि आपको अगर कम ज्यादा करना हो तो आप देख सकते हैं, अगर कम लग रहा हो थोड़ा सा चीनी का पाउडर मिला सकते हैं। और अब घी भी इस टाइम आपको कम लगता है तो आप 1-2 चम्मच इसमें घी डाल सकते हैं, हमको जरूरत नहीं लग रही है कि हमारे को अच्छा लग रहा है, बाइंडिंग अच्छी आ रही है हमारी। आप लड्डू ऐसे मुट्ठी बना के देख लीजिए, अगर अच्छे से बाइंड हो रहा है तो आप इसी तरह से बना लीजिए, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा घी डालना चाहे तो डाल लीजिए। इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेंगे, बहुत ही ताकतवर लड्डू है, गर्मी में खाए जाने वाले लड्डू है, तो आप इसको जरूर बनाएं और सुबह 1 लड्डू रोज खा लें तो शरीर में पूरी कैल्शियम कमी, आयरन की कमी वगैरह सब दूर हो जाएगी, क्योंकि चने से भी कैल्शियम मिलता है और ये दाल मखाने वगैरह डालें इनसे भी भरपूर कैल्शियम मिलता है, आयरन भी मिलता है। तो इसको हम इस तरह सभी लड्डू को बना करके तैयार कर लेंगे।
शरीर में कैल्शियम कमी होती है तो बहुत दिक्कत होने लगती है आंखों के लिए, दांत के लिए, शरीर के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है कैल्शियम हमारे शरीर के लिए। तो हम इस तरह सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं कितने शानदार लड्डू बने हैं, देखते ही ऐसा मन कर रहा है खाने का, मन कर रहा है इसको। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं, अभी एकदम ताजा है। थोड़ी देर इसको रखेंगे तो और सही सेट हो जाएंगे। अभी एकदम बिल्कुल बनाए हैं तो गरम गरम है तो अच्छे लग रहे हैं, ताजा है तो थोड़ी देर इस तरह से हम बना के सभी लड्डू को रखेंगे और फिर एंजॉय करेंगे।